Most welcome all of you. You are watching my channel Flora Academy and I am Jill Batham. This is our third video of Do As Directed. After that, we will start from 21st. Before it, we have done 20 sentences and this one is 21. So listen carefully. 21. What else? He did not go to school. He was ill. He was ill. एक्चुअली में इस सेंटेंस को कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज बिकॉज का यूज करते हुए इस सेंटेंस को हमने जोड़ना है, प्लस करना है. दो सेंटेंस हैं, वेरी सिंपल. योर आंसर इज ही डिड नॉट गो टू स्कूल. वह स्कूल नहीं गया. क्यों नहीं गया? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था. दोनों सेंटेंस के बीच में यह फुल स्टॉप हटाकर हमें सिर्फ बिकॉज लगाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है. स्कूल. नेक्स्ट 22nd. इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप रोजाना स्कूल नहीं आएंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो आप अपने लेसन सीख नहीं पाएंगे. वी डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप स्कूल नहीं आएंगे, नियमित स्कूल नहीं आएंगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, आप अपना लेसन नहीं सीख पाएंगे. तो इससे पहले आप एक सेंटेंस कर चुके थे, अनलेस या अनटिल की जगह पर इफ़ का यूज़ करते सेंटेंस को रीराइट कीजिए. तो ये इफ़ का सेंटेंस है, आपने वापस इसे अनलेस में चेंज करना है. किसकी जगह पर लगाना? आपने इफ़ की जगह पर अनलेस का यूज़ करना है. अनलेस, और कई बार ध्यान रखेंगे अनटिल भी आता है तो बहुत अर से, जब तक नहीं, तो ये इसमें नॉट ऑल ऑलरेडी छिपा रहता है, हमें इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. तो आपने इफ़ की जगह पर अनटिल या अनलेस का यूज़ करना, जैसा हमें इंस्ट्रक्शंस में दिया गया होगा वैसे करेंगे. तो इसमें जो दिया है वो है अनलेस का यूज़ करना आपने. अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप नियमित रूप से स्कूल नहीं आएंगे, ठीक है. अब अनलेस यहाँ पे आपको डू नॉट हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है जब तक, नहीं नहीं इसके अंदर आ चुका है, इसलिए डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे. आगे कुछ नहीं करना है आपने, आगे एज इट इज़ जैसे ही आपका सेंटेंस है वैसे ही आपने इसके अंदर लिख देना है. यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, आप अपना लेसन नहीं सीख पाएंगे. नेक्स्ट वन आपका 23rd. एज इट वॉज संडे, संडे का दिन था, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, स्कूल में बच्चे नहीं थे. तो इस सेंटेंस को आपने फिर से बिकॉज का यूज़ करते हुए सेंटेंस को जोड़ना है. एज इट वॉज, इट वॉज संडे, जैसा कि ये संडे का दिन था, देर वॉज नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, स्कूल में बच्चे नहीं थे. तो वेरी सिंपल आंसर. सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, तो आप पीछे जो लास्ट सेंटेंस है, पिछला सेकंड पार्ट जो है, उसको पहले लेकर आएंगे. तो देर वर नो चिल्ड्रन,
इन द स्कूल, स्कूल में बच्चे नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे? बिकॉज, बिकॉज क्योंकि इट वॉज संडे, क्योंकि संडे का दिन था। तो इसमें ध्यान रखेंगे इसमें से एज का यूज़ आप हटा देंगे, एज की जगह पर ही हमने यहाँ पर बिकॉज का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट वन 24 है आपका, थोड़ा इसको ऊपर ले लें ताकि आपको परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट है अपना वी शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर, इस साल हम पिकनिक पर जाएंगे। तो इसे आपने किस में कन्वर्ट करना है वो देखना है हमें, ध्यान रखेंगे इसके, इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो आंसर है आपका वी शेल, जैसा कि आपको फॉर्मूला याद होगा आपको इसका सेंटेंस बनाने का, टेंस के फॉर्मूलाज तो आप बना पाएंगे। वी शेल बी गोइंग फॉर पिकनिक दिस ईयर। नेक्स्ट वन है हमारा यहाँ पर शायद नंबरिंग रॉन्ग हो रही है, दिस वन इज 24, 25, इट शुड बी 25 क्योंकि डबल उसमें जो 21 नंबर है वो डबल हो गया है इसमें, तो 25 पर है इसमें, ध्यान रखेंगे। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, है ना, बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, इट मीन्स जो बर्ड्स जो होती हैं वो सर्दी में माइग्रेट करती हैं, मतलब माइग्रेट का मतलब था एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो इसमें री राइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस, इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही बात है कि अगर हमें इन सब के फॉर्मूलाज आते हैं तो हम इसको चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस आंसर ये अपने आप चेंज हो रहा है, ऑटो हो रहा है, एक्चुअली है हमारा ये 25 और 25 उसमें चेंज हो गया है, 20 ओके, चेंज किस में करना है अपने, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर। तो ये आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट 26 है आपका, 26 में जिन विल टेक कॉफी, जिन कॉफी लेगा, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है इसको आपने। डू एज डायरेक्टेड के लिए हमें ग्रामर में स्ट्रांग होने की जरूरत होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, आंसर जिन, सिंगुलर है प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए हैज का यूज होगा और प्लूरल में हैव का यूज होता है। जिन हैज थर्ड फॉर्म टेकन कॉफी, ठीक है, जिन ने कॉफी ले ली है। नेक्स्ट 27 है आपका, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज माई कजन, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकेंड द बॉय हैज वॉन द प्रेस, दो सेंटेंस है, द बॉय इज माई कजन मतलब लड़का मेरा कजन है, मतलब भाई,
द बॉय हैज़ वॉन द रेस, लड़के ने रेस जीती है। तो इसको करना है क्या हमें, कंबाइन द सेंटेंस इन टू रिलेटिव क्लोज, मतलब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है इसके अंदर रिलेटिव क्लोज जो आपस में जोड़ दे, रिलेटिव क्लोज या नाउन क्लोज हम बोल देते हैं, कई बार एडजेक्टिव क्लोज भी बोल देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एक ही बात होती है। तो इसमें द बॉय इज़ माई फ्रेंड, कज़न, लड़का मेरा कज़न है, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का जिसने रेस जीती है। तो इसमें द बॉय दो बार नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं किसका बताया आपको, रिलेटिव क्लोज का। तो ध्यान रखें रिलेटिव एडजेक्टिव क्लोज नाउन क्लोज एक ही बात हो जाएगी अगर ऐसा आता है तो वेरी सिंपल आंसर, द बॉय इज माय कज़न, कौन सा लड़का, हु, जिसने, ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे आप, हु हैज़ वॉन द रेस, जिसने रेस जीती है, ऐसे। नेक्स्ट वन 28, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको जैसा बताया था कि अनलेस या अनटिल का मतलब जब तक नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि किसका किसकी जगह पर क्या चेंज करना है, तो जैसे कि अनलेस की जगह हम इफ़ का यूज़ करते हैं या इफ़ की जगह पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर अनलेस की जगह पर किसका यूज़ करने जा रहे हैं, इफ़ का यूज़। तो वेरी सिंपल, बिकॉज बिफोर इट वी हैव लर्नड इट, योर आंसर इज इफ। अब इफ़ लगाते एक्चुअल में नॉट नहीं रहता है, तो इसमें हमें नॉट का सेंस देना है, तो हमें पहचानना होगा कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। तो ये सेंटेंस जो है इफ़ यू वर्क हार्ड है ना, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखेंगे यू प्लूरल है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे आगे कुछ नहीं करना है, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे आप, तो ये सेंटेंस जो आप बिल्कुल ही आपके सिंपल हैं। नेक्स्ट वन है आपका 29, योर 29 इज अमन इज वेरी intelligent, he can pass this exam easily. Aman is very intelligent, Aman बहुत ही intelligent है, he can pass this exam easily, ये वह अपना exam बहुत आसानी से pass कर सकता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर use किसका करना है हमें देखना हुआ है, यहाँ पर हमने सो और दैट का यूज़ करना है, तो ध्यान रखिए इसमें टू और टू नहीं है सेंटेंस के अंदर, हमें फिर भी इसमें सो दैट का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वेरी वेरी का भी मतलब बहुत होता है, तो हम क्या करेंगे आंसर में, अमन इज सो इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस जुड़ने से पहले उसमें टू से जुड़ा होता है, इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसके बाद अगला सेंटेंस आया था, इसलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ने से पहले हम यहाँ पर दैट का यूज़ करते हैं, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे टू है, दैट ही, अब इसमें कि अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम, आगे कुछ करना ही नहीं हमें, तो ये सेंटेंस में पॉजिटिविटी आ रही है तो हम सिर्फ कैन का यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिविटी होती है तो हम कैन नॉट का यूज़ करते, तो ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। नाउ 30 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, दे आर सेलिंग दियर हाउस, ये अपना घर बेच रहे हैं,
अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट फिर से वही कि हमें फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। दे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में आ गया तो इसमें हैड का यूज़ होगा आपका, दे हैड बीन, कंटिन्यूस भी रहेगा तो इसलिए हम बीन का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, दे हैड बीन सेलिंग दियर हाउस, ठीक है। हालांकि इसमें कोई टाइम वगैरह मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं। दे आर सेलिंग, दे हैड बीन सेलिंग दियर हाउस, वे अपना घर बेच रहे थे। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस जो है चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के कुछ जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो आपको बताए जाएंगे।